बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास डिजी स्केल .pk इसकी जो क्रिएटिव राइटिंग इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 आ चुकी है, तो इसका जो सलूशन मैंने किया है सबसे पहले तो आप ये इंस्ट्रक्शन जो है हदायत ये लाजमी पढ़ लें कि आपकी जो फाइल है वो लाजमी MS वर्ड में अपलोड होनी चाहिए कि आपने जो फाइल हल करनी है या सोल्यूशन उसका बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड में इसको लिखना है। आपकी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जाए अगर आपने इसको वर्ड के अलावा किसी और फॉर्मेट में अपलोड किया। तो दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आपने मुकर्रर तारीख के अंदर यानी कि 12 तारीख तक इसको नहीं अपलोड किया तो तब भी आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। तीसरे नंबर पर आपने अगर कोई करप्ट फाइल अपलोड की है तब भी एक्सेप्ट नहीं होगी, या आपने किसी से कॉपी या चोरी की हो तो फिर भी आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस एक्सरसाइज से हम जो सीखेंगे वो सबसे पहले तो ये क्रिएटिव सिंपल स्टेटमेंट इनटू कंडीशनल कि आप जो है ना वो एक सिंपल स्टेटमेंट को क्रिएटिव क्रिएट कर सकेंगे एक कंडीशनल स्टेटमेंट में। हमारे पास जो प्रॉब्लम है स्टेटमेंट का वो ये है कि जी स्ट्रक्चर द गिवन सिंपल स्टेटमेंट बाय कंडीशन इफ आर अनलेस। या तो आप इफ को यूज़ कर सकते हैं या फिर अनलेस को यूज़ करते हुए आपने फिक्र मुकम्मल करने हैं। मज़ीद ये गाइडलाइन दी है कि अगर आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ ना आ रही हो तो आप जो लेसन है वो 66 तक देख सकते हैं और इनकी वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर फिर उसने बार बार कह दिया कि आपने सिर्फ फॉर्मेट MS वर्ड में ही अपलोड करनी है। अब ये हमारे पास असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में उसकी जो एक एग्जांपल दी है कि ओरिजिनल स्टेटमेंट ये है, पीटर लिव्स विद हिज पेरेंट्स बिकॉज ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट। मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में इतनी ख़ास नहीं है तो आप जो है ना वो इतना परेशान ना होना। तो इसका जो पहला वर्जन है इम्प्रूव वर्जन है वो बन जाएगा इफ़ पीटर कुड बाई ए फ्लैट ही वुड नाट लिव विद हिज पेरेंट्स। या आप इसको इस दूसरी फॉर्म में भी तब्दील कर सकते हैं, पीटर वुड नाट live with his parents if he could buy a flat। तो इस एग्जांपल के मुताबिक मैंने ये जो पहली इम्प्रूव वर्जन है उसके मुताबिक पहला जो हल किया है, मैरी ए सैड बिकॉज शी हैज ए स्मॉल फ्लैट। तो आप जो MS वर्ड में स्पेल चेक का सिस्टम है उसको भी आप ओपन कर सकते हैं और उसको ओपन करके यहाँ पर ये स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं साथ साथ और ग्रामर भी साथ साथ चेक करते जाएं। अब इसका दूसरे का ये बन जाएगा कि आपने आई डिड नाट गो टू मैरीज बर्थडे बिकॉज शी डिड नाट इनवाइट मी। तो इसका जो बनेगा वो इफ मैरी हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव गॉन टू हर बर्थडे। यानी कि हमने कंडीशन इस्तेमाल कर दी इफ की। तीसरा, जॉन विल पास द ड्राइविंग एग्जाम इफ ही इज नॉट नर्वस। तो इसका जो मेरे ख्याल में मौजू बना है वो ये बना है कि जॉन विल पास द ड्राइविंग
एग्जाम अनलेस ही इज नर्वस। आई डिड नॉट नो हिज ईमेल सो आई कैन नॉट सेंड दिस सेंड इज सेंड एन इनविटेशन। इफ आई न्यू हिज मेल आई कुड सेंड हिम एन इनविटेशन। अब ये छठा फिक्र हमारे पास है। आई वॉज बिजी सो आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू गो टू सुपर मार्केट। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा इफ आई हैड नॉट बिन सो बिजी, उसके बाद आपने कॉमा, कॉमे के बाद आपने क्या करना, आई वुड हैव यहाँ पर ये ग्रामर में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। आई वुड हैड इनफ टाइम, यहाँ पर ये हैव के बजाय आप हैड कर लेना। मैरी वाज इल सो शी डिड नॉट गो टू द सिनेमा विद मी। इफ इसके बाद ये मैरी डिड नॉट प्ले टेनिस बिकॉज शी हैड ब्रोकन हर लेग। इफ मैरी डिड नॉट ब्रेक हर लेग शी वुड हैव प्लेड टेनिस। इसके बाद नौवां जो इसका बनता है, आई हैड लाइक टू बाई ए न्यू कार बट आई हैव नॉट got enough money। तो इसका जो सोल्यूशन बनता है वो ये बनता है कि इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाई ए न्यू कार। इसके बाद दसवां है, इट रेन्ड सो वी कुड नॉट गो फॉर ए वॉक इफ इट हैड नॉट ट्रेंड। इसका सोल्यूशन इफ इट हैड नॉट ट्रेंड We could not have gone for a walk। ये तो हमारा था इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब आपने सबमिट करना है तो आपने इन हदायात को लाजमी पढ़ लेना है कि सबसे पहले तो आपने एक्सरसाइज को किस तरह सबमिट करना है, लॉग इन टू LMS, उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द एक्सरसाइज बटन विद इन, यहाँ पर ये एक्सरसाइज के बटन पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जो यहाँ पर ये दोबारा बात कर दूँ कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो लाजमी डॉक्यूमेंट फाइल में हो, यानी कि MS वर्ड में DOC फॉर्मेट या DOCX फॉर्मेट इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और फॉर्मेट में अपलोड की तो फिर आपकी असाइनमेंट जो है वो दुरुस्त तसव्वुर नहीं की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी इतनी कोई ख़ास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है इंग्लिश में, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वसलाम।